नमस्कार दोस्तों, इलाहाबादी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए लाहौरी चिकन की डिश। इसके लिए आपको चाहिए 1 से 1.25 किलो चिकन, 300 ग्राम दही, 4 मीडियम साइज़ 20 से कटे हुए टमाटर, 4 प्याज महीन टुकड़ों में, चिकन मसाला, 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स चाहिए आपको तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और जीरा का पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून शाही गरम मसाला और 1/4 बटर। तो आइए शुरू करते हैं लाहौरी चिकन को बनाना। इसमें हमने 300 ग्राम तेल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन को। थोड़ा सा चिकन को चला लेने पर तकरीबन 1 से 1.25 चम्मच में नमक डाल देंगे। बीच बीच में इसको ऐसे चलाना है ताकि नीचे चपके ना और लाइट ब्राउन होने तक इसको बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसका एक्सेस ऑयल जो है लगभग तकरीबन 200 ग्राम तक निकाल लेंगे। 300 ग्राम तेल ऐड किया था, 200 ग्राम तेल बाहर कर लेंगे। इसको फ्राई होने तक के लिए बढ़िया से छोड़ देते हैं। चिकन लगभग ब्राउन हो चुका है, अब इसका एक्सेस तेल निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। तेल को निकाल लेने के बाद इसमें अब ऐड करेंगे कटी हुई प्याज और इसको तकरीबन हम अभी 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे इसी में भून भून के। बढ़िया से भून लेना है प्याज को, बढ़िया से इसको भून लेना है। बढ़िया देखिए क्या कलर आया है चिकन का। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकने के बाद इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको भी बढ़िया से भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक और भूनेंगे इसमें बढ़िया से, ताकि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आए। अब इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे, 5 मिनट हो गया भूनते हुए। पानी ऐड कर लेने के बाद जो 4 मीडियम साइज के टमाटर काटे थे उसको ऐड कर लेंगे इसमें और टमाटर को डालने के बाद सबको एक साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगा इसमें बढ़िया से। अच्छे से चला लेने के बाद इसको अब मैं 10 मिनट के लिए ढकना ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगा मीडियम फ्लेम करके। तकरीबन 10 मिनट हो गया है तो इसका ढकना हटा के एक बार चला लेंगे इसको। टमाटर लगभग छिलके अपने छोड़ ही चुके हैं। बढ़िया से इसको चला के इसका पानी को खुश्क कर लेना है। टमाटर के छिलकों को आप अलग कर लीजिए। टमाटर के छिलकों को उतार लेने वाला टमाटर को बढ़िया से इसमें फोड़ लीजिए। सारे टमाटरों को फोड़ लेने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे मसालों को। यहाँ सबसे पहले लेते हैं जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून था, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, शाही गरम मसाला 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। अब इन मसालों को ऐड करके इसमें बढ़िया से इसको भून लेंगे।
वापस से मीडियम फ्लेम करके इसको बढ़िया से पकाएंगे। इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून का गार्लिक को ऐड करना। तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद इसमें अभी ऐड करेंगे 4 कटी हुई हरी मिर्च। इसको बढ़िया से चला लेंगे। बहुत से लोगों का कहना है कि कढ़ाई की जो डिश होती है उसका स्वाद अलग अलग होता है। बेशक मैं आपको बताना चाहूँगा, कढ़ाई की जो डिशेज़ होती हैं मसालों का ही रोल होता है अलग, बाकी सारी डिशों में टेस्ट आपको एक जैसा ही मिलेगा। मसाले का रोल है, और जैसा कि आप इस पकाने में जो टाइमिंग है मसालों की वो बहुत अहम रोल प्ले करती है स्वाद के लाने में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पानी खुश्क हो रहा है, इसमें अभी मैंने ऊपर से चिकन मसाले को हल्का सा डाल दिया है लगभग 1 टेबल स्पून तक, और इसको पानी खुश्क होने तक छोड़ देंगे। पानी लगभग सूख गया है चिकन का, अब इसमें मैं ऐड करूँगा तकरीबन 200 ग्राम दही, क्योंकि फेटा हुआ है क्रीम के साथ। उसको मैं बढ़िया से पकाऊंगा, इसे हल्का से चला लेते हैं। लगभग दही ऐड कर लेने के बाद इसको बढ़िया से इसमें मिक्स कर लेंगे, और तेल आने तक ऊपर इसको बढ़िया से इसमें पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों तेल ऊपर तक आ ही रहा है। अब इसमें ऐड कर देंगे मक्खन, जो कि ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर इनहेंस कर देता है। 1/4 मक्खन इसमें ऐड कर दिया। लगभग मक्खन के साथ 2 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड करूँगा काली मिर्च का पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून, और इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी जो कि है 2 टेबल स्पून। लगभग ये एंड आ चुका है इसका, पक के एकदम रेडी है लाहौरी चिकन। इसको बढ़िया से चला लेंगे लगभग 2 मिनट और पकाने के बाद इसको सर्व करेंगे। लाहौरी चिकन बन के लगभग तैयार है। अब इसको गार्निश कर लेंगे हरे धनिया से। क्या बेहतरीन शानदार लाहौरी चिकन बना है, इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। तो इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि धनिया की खुशबू इसके अंदर बरकरार रहे। दोस्तों लाहौरी चिकन तैयार है, आप भी एक बार ट्राई करिए, कसम से मज़ा ही आ जाएगा।